जैसे टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ। इसमें हम करेंगे क्या, हमें एक ग्राफ गिवन होगा जैसे कि हमारा ए गिवन है, इसमें हम इसका एक सब ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसमें से कुछ एजेस कुछ वर्टेक्स को डिलीट कर देंगे, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें से कुछ एजेस और कुछ वर्टेक्स की हेल्प से एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे जो इसका होगा सब ग्राफ। इसमें हमने किया क्या है, हमने एक तो ये वाला पार्ट ले लिया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट इसी का ही है, तो ये इसका हो गया सब ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ में सिंपली होगा कुछ नहीं कि हमारी जो जो एज इसमें हमारी प्रेजेंट है उस एज को, यानी कि इसमें किसमें सब ग्राफ में जो जो एज हमारी सब ग्राफ में प्रेजेंट है उस एज को तो हम ग्राफ से डिलीट कर देंगे, और जो हमारा ग्राफ बनकर आएगा एज डिलीट होने के बाद उसे ही हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। अब यदि हमने क्योंकि ये वाला ग्राफ लिया था, इसका सब ग्राफ ये था, तो इस सब ग्राफ में कौन सी एज थी, एक E2H थी, E2H कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है, तो इसे डिलीट कर दिया, ये हमारा यहाँ से गायब हो गया। एक हमारी एज थी E4 जो कि यहाँ पर है, जो किससे कनेक्ट थी, हमारी V4 से एंड V2 से, काफ़ी छोटा लिखा है, तो हमारा हमने ये वाली एज को डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पर थी। अब हमारी नेक्स्ट एज क्या है, यहाँ पर है, तो क्योंकि ये सब ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो सिंप्लीफाई हमारा है ही इतना कि हमें इसका जो जो पार्ट हमारा एज का इसमें है उसे हमें हटा देना, जो ग्राफ बन के बचेगा हमारा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा ये बचा, इसे भी हम इस ग्राफ में से डिलीट कर देंगे। ये किस वर्टेक्स से जॉइन है हमारी, V2 से V5 पर, तो V2 से V5 पर हमारे जो वर्टेक्स थी वो भी हमने डिलीट कर दी। इसके बाद यदि हम देखें तो ये हमारा ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें से जो जो एज हमारी सब ग्राफ में थी वो हटा दी गई है, तो इसे ही हम इस ही ग्राफ को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ।